हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 06 का सेकेंड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि इस पूरे यूनिट के अंदर में कौन कौन से लेसन है, कितने लेसन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इस यूनिट के अंदर में बनेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस तरह के टॉपिक्स बनते हैं इस पूरे यूनिट के अंदर में, और साथ साथ में एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न होंगे, क्या पैटर्न क्वेश्चन का पैटर्न होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेनली मैं बात करूं तो ये शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम एक रफली आइडिया लगाएंगे कि इस यूनिट के अंदर में ये चीजें हैं, ये चीजें पढ़ना है, जिससे आपको आसानी होगा सिलेबस को पूरा कवर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यूनिट फर्स्ट की वीडियो मैं करवा चुका हूं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिससे आपको वो भी समझ में आएगा, और इस वीडियो पे जो भी रिस्पॉन्स रहेगा आपका यूनिट सेकंड की वीडियो पे, उसके बाद ही मैं आगे की और भी यूनिट्स की वीडियो लेकर आऊंगा। यूनिट सेकंड की मैं बात करूं तो उसका नाम है संक्रमणाधीन संस्कृतियां। अब देखो, संक्रमण मतलब क्या होता है, फैलाना, एक तरह से मतलब किस तरह से संस्कृति का विस्तार हुआ, किस तरह से संस्कृति फैली, उसके बारे में सेकंड यूनिट के अंदर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमारा चैप्टर आता है वैदिक साहित्य में समाज, सोसाइटी इन वैदिक लिटरेचर। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला और मेन टॉपिक आता है इसके अंदर में वर्ण का विकास। वर्ण का विकास क्या होता है, तो वर्ण मतलब होता क्या है, तो आपने कई बार बचपन से पढ़ा होगा कि चार तरह के वर्ण होते थे। कौन कौन से वर्ण होते थे, ठीक है, तो देखो, ब्राह्मण सबसे ऊपर में आता था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार तरह के वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था, इन्हीं वर्ण व्यवस्था के आधार पर धीरे धीरे आगे चल के समाज विकसित हुआ और जाति व्यवस्था बन गई, पर मेनली जो आधार था वो वर्ण व्यवस्था का था। वर्ण व्यवस्था के आधार को अगर आप सही से पढ़ोगे, सही से समझोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो वर्ण व्यवस्था का आधार था, आपकी जो कला है उसके ऊपर आधारित थी, आपका जो नॉलेज है उसके ऊपर आधारित थी। अगर मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरे अंदर में बहुत ज्यादा ताकत है, तो मैं क्षत्रिय कहलाऊंगा। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा दिमाग है, मैं माइंडेड पर्सन हूँ, पढ़ा सकता हूँ, टीचिंग कर सकता हूँ, पर मैं हूँ राजपूत, मैंने क्षत्रिय में जन्म लिया है, बट उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार मैं ब्राह्मण में चला जाता। सपोज फॉर एग्जाम्पल के लेके चलते हैं, कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा व्यापारी है, बिजनेस माइंडेड है, ठीक है, वो भले ही ब्राह्मण में जन्म लिया हो, पर वो ऑटोमेटिक वो वैश्य में आ जाता। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था परिवर्तित होता था, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर निर्माण किया गया था, पर समय के साथ उसके अंदर में कुरीतियां शामिल होती हैं, धीरे धीरे उसको जाति व्यवस्था और जन्म पर आधारित कर देती हैं कि जो जन्म होगा उसी के अंदर में आप रहोगे, वंशानुगत कर दिया गया कि आपके पिता जिसमें थे पुत्र भी उसी में रहेगा। तो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर में बनेगा, वो बनेगा वर्ण का विकास, किस तरह से वर्ण का विकास हुआ, और वैदिक साहित्य के आधार पर उसको आपको बताना होगा। वैदिक साहित्य के अंदर में अलग अलग तरह के ग्रंथ आते हैं, जैसे मनु हो गया, ठीक है, जिसे हम मनु कहते हैं, तो उपनिषद, कई सारे उपनिषद, कई सारे मनु, यज्ञवल्लभ, ये जो भी ग्रंथ हुए उनके आधार पर आपको इसका जिक्र करना है, और अच्छे नंबर मिल जाते हैं इसके बेसिस पे। यहाँ पे अगले चैप्टर की बात करूँ, चैप्टर नंबर फिफ्थ का, तो चैप्टर नंबर फिफ्थ के अंदर हम बात करते हैं लौह युगीन संस्कृतियों के बारे में, जो आयरन एज रहा पूरा, जहाँ पे हमने लोहे का उपयोग किया, तो उस टाइम पीरियड के अंदर में किस तरह की संस्कृतियां थी, सामाजिक ढांचा क्या था, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनकर आ जाएगा कि लौह युगीन संस्कृतियों के अंदर में जो सामाजिक ढांचा था, सांस्कृतिक ढांचा था, वो किस प्रकार का था। तो देखो, नॉर्मली क्या हुआ, लोहे का उपयोग शुरू हो गया। अब लोहे का उपयोग करने से पहले तक जो किसान थे, वो फाल, जो हल होता है, हल के अंदर में लोहे का उपयोग करने से क्या हुआ, वो जुताई अच्छे से कर पाते थे, फसल की पैदावार बढ़ी, ठीक है। उस तरह से जो व्यापारिक था, व्यापारिक उसमें दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। तो लोहे का उपयोग किस प्रकार से हुआ, उसके अंदर में प्रयोग होने के बाद समाज के अंदर में किस तरह से परिवर्तन आया, ठीक है, समाज की संस्कृतियों में क्या चेंजेस आया, उसको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जो मैंने आपको बताया, वो आप इजिली कर सकते हो। अगले चैप्टर की ओर बढ़े दोस्तों, तो अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर सिक्स, जिसके अंदर में हम बात करते हैं उत्तर भारत में सामाजिक धार्मिक हलचल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इसको आप ना डबल स्टार के साथ मार्क कर लीजिए, इसको अच्छे से थोड़ा टाइम देकर पढ़िए। इसके चैप्टर के अंदर में बात करें, चैप्टर नंबर सिक्स के अंदर में, कि उत्तर भारत के अंदर में जो सामाजिक हलचल हुआ, आप देखो नॉर्मली क्या था, सबसे पहले हम एक एज्यूम करके चलते हैं, एज्यूम क्या करना, रियलिटी भी है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा धर्म के तौर पर हम हिंदू धर्म को मानते हैं, कि हिंदू धर्म क्या सबसे बड़ा है, सबसे पुराना धर्म है, इस सबसे पहले यही उदय हुआ, इसी के अंदर में से पार्ट्स बनते चले गए। अब पार्ट्स बनता क्यों है, ठीक है, तो पार्ट्स बनने का रीजन क्या होता है, एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी, बाकी सब सोनिया गांधी, ये सारे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर में से गुलाम नबी आजाद जो थे वो अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। गुलाम नबी आजाद से पहले कैप्टन अरविंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़कर अलग पार्टी बनाई थी, अभी तो बीजेपी में विलय कर दिया उन्होंने, पर उन्होंने भी ऐसा किया। रीजन क्या था, क्योंकि
क्योंकि उनकी आपसी विचारधारा मैच नहीं कर रही थी, ठीक है, आपसी तालमेल जो होना चाहिए वो नहीं मैच कर रहा था, ठीक है, जिसके कारण से हुआ। उसी तरीके से हिंदू धर्म के अंदर में से कई सारे धर्म निकले, जैसे मेनली हम बात करें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करें, तो वो भी हिंदू धर्म के पार्ट थे, धीरे धीरे आगे चल के वो डिवाइड हो गए, उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, उसके बेसिस पे उनके अनुयायी अलग बने और उन्होंने अलग तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक है, समझ में आता है बेसिक चीजें कि किस तरह से बना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, तो यहाँ पे तीन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं इस टॉपिक के अंदर में स्पेशली। पहला क्या आता है, तो पहला आता है कि छठी शताब्दी में होने वाले परिवर्तन को बताइए। क्वेश्चन बनकर आ जाएगा भैया कि छठी शताब्दी में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो क्या परिवर्तन हुआ, तो नए धर्मों का उदय हुआ, धार्मिक तौर पर हलचल था समाज के अंदर में, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा परिवर्तन क्या हुआ, बदलाव क्या हुआ, या किस प्रकार का हलचल था, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ पे बनता है कि बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है, किस प्रकार से विकास हुआ, ठीक है, विकास किस प्रकार से किया, विकास किस प्रकार से हुआ, बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है, ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके धर्म क्या है, ठीक है, उन्होंने किस प्रकार से बौद्ध धर्म को विस्तृत किया, किस तरह से प्रचार प्रसार किया, ठीक है, सिद्धांत क्या रहे, अष्ट ज्ञान जो होता है, या फिर त्रिरत्न क्या थे, ठीक है, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ क्या थे बौद्ध धर्म के, वो सारी चीजें यहाँ पे आते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का तरीका क्या था, प्रसार किस तरह से हुआ, ये भी एक क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के तौर पे देख सकते हो, जैन धर्म का विकास किस प्रकार से हुआ, उनके सिद्धांत क्या थे, उनका प्रचार किस तरह से हुआ, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 6 था वो इंपॉर्टेंट है, जहां पे बौद्ध और जैन धर्म को आपको डिटेल में पढ़ना है और उसके बेसिस पे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 की बात करूं, चैप्टर नंबर 7 के अंदर में क्या है, तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में बौद्ध धर्म का अभ्युदय। अभ्युदय मतलब क्या, उगना, ठीक है, राइजिंग ऑफ बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहा है, बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहा है। अब प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, देखो भारत का जो शेप है वो कुछ इस तरह से नीचे के अंदर में दक्षिणी साइड में, तो जब दक्षिण साइड का जो हिस्सा है ना, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम प्रायद्वीपीय भारत के तौर पे देखते हैं, जो तमिलनाडु कर्नाटक के जो पूरा ये वाला साइड का हिस्सा है ना, इसको हम प्रायद्वीपीय भारत की ओर कहते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत के अंदर में किस तरह से बौद्ध धर्म का राइज हुआ, किस तरह से प्रचार हुआ प्रसार हुआ, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। सिंपल सा एक टॉपिक आ जाता है यहाँ पर कि मध्य भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार किस तरह से हुआ, किस तरह से किया गया। अब देखो मध्य भारत में प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने भी क्या किया, जो अपना पुत्र था उसको काम पे लगाया कि बेटे देखो आपका काम क्या करना है, मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, आपको जाकर इसको दूर दूर तक फैलाना है। उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को श्रीलंका, ठीक है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु केरल इन सब जगहों पे भेजा, श्रीलंका भेजा, पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान इन सब जगहों पे उन्होंने अपने बच्चों को भेजा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। अब वो गए तो उसके साथ में चीजें भी तो हुई होंगी, चीजें किस तरह से हुई, तो स्तूपों का निर्माण कराया गया, ठीक है, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया गया, ठीक है, जो सांची के स्तूप होते हैं, तोरण द्वार होते हैं, ठीक है, जो अभिलेख होता है शिला लेख होते हैं उनका निर्माण करवाया गया, जिसके थ्रू में पता चलता है कि किस तरह से उसका प्रचार प्रसार हुआ, किस तरह से बौद्ध धर्म का राइज हुआ, ठीक है, उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल सेकेंड यूनिट के अंदर में टोटल 4 चैप्टर थे जो मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, बेझिझक कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ठीक है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो वहां से डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाउट्स को डालकर पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पर रिप्लाई दे दूंगा, और जो भी रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो के ऊपर मैं आपका उसके बेसिस पे ही मैं आगे की यूनिट्स भी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।